you, my shop. तो जब हम बाबा से मांगेंगे तो ऐसे हाथ बांध के मांगेंगे क्या? हाँ जी, तीन लोग के नाथ से मांग रहे हैं साहब, तो कम से कम दो हाथ हमारे पास है, वो तो ऊपर होने चाहिए। मेरे सर पे रख दो बाबा, मेरे सर पे, सिर्फ मेरे अकेले नहीं, आप सबके। वो पीछे वाले क्या बात, हाथ क्यों नहीं उठा रहे? अपनी शॉल या अपनी जेब में हाथ है या फिर बगल वाले की जेब में? तो आप बोलिए ना, बोले महावीर स्वामी भगवान की, बोले टीले वाले बाबा की, बोलिए टीले वाले बाबा की। और आइए, हमने यूं तो सोच रखा था कि रूपाली जी की आवाज में दो भजन सुनेंगे, फिर रूपेश जी को बुलाएंगे, लेकिन आपके जोश को नमन करते हैं और आपकी भक्ति को नमन करते हैं। तो एक आग्रह और मैंने किया है अहिंसा परमो धर्म युवा संघ की ओर से, एक बार जरा इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए साहब, बड़ी प्यारी भक्ति कर रहे थे। और अब एक भक्ति रचना रूपाली जी और फिर उसके बाद हम रूपेश जी को बुलाएंगे। आइए आपकी जोरदार तालियां। यू तो पारस चैनल और एक चैनल और हमसे जुड़ा है, तीर्थंकर चैनल। ये तमाम चैनल्स भारत, भारतवर्ष के बाहर जितने भी भक्तों को, जितने भी श्रोताओं को आज की भक्ति संध्या अहिंसा परमो धर्म युवा संघ के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, उन सभी को हम यहाँ की ट्रस्ट कमेटी अहिंसा परमो धर्म और अपनी ओर से सादर जय जिनेन्द्र करते हैं। और विगत वर्ष को विदाई और नव वर्ष की आमद में प्रभु के चरणों में नमन वंदन के साथ हम और आप आइए, फिर वही आवाज हमारे बीच मुखरित होने जा रही है जिसे आप और हम रूपाली के नाम से जानते हैं। आइए एक और, जैसा कि सभी ने एक बार फिर भक्ति करना चाहिए, एक बड़ा सुंदर सा भजन है। और ये भी एक भजन ऐसा है कि आप सभी ने सुना होगा, लेकिन मैं चाहूंगी जरा सभी साथ देंगे, क्योंकि आज हम यहाँ पर कार्यक्रम करने नहीं आए हैं, आज केवल और केवल भगवान महावीर को मनाने आए हैं कि प्रभु हमारा जो नया वर्ष है उसमें आपका आशीष ऐसा मिले कि हमने इस वर्ष जो पाया है उससे कहीं ज्यादा लेकर जाए आपके दर से। तो आइए ऐसे सुंदर रचना के साथ, ऐसी भावना के साथ, जरा जोरदार तालियां हो जाए एक बार, एक ऐसी रचना आपके बीच में निवेदित हो रही जिसे आपने सुना, लेकिन आज आपकी तालियां इसे और सराहेंगी। जोरदार तालियां हो जाए। हो हो सुनियो हमारी बात, मिट्टी के दीवड़ों तुम सुनियो हमारी बात। आज प्रभु घर आएंगे तुम जनियो सारी रात। हो वीर मेरे महा वीर मेरे, ओ जिनवर रखना मेरी लाज मेरी, मेरी ये बिनती सुनकर जपू मैं जिनवर जिनवर तरस दो नाथ कृपा करो, जपू मैं जिनवर जिनवर तरस दो नाथ कृपा करो। वीर मेरे महा वीर मेरे, मेरी ये बिनती सुनकर जपूं मैं जनवर जनवर बरस दो नाथ कृपा कर, जपूं मैं जनवर जनवर बरस दो नाथ कृपा कर। वीर मेरे वीर मेरे, और आइए बड़ी सुंदर प्यारी प्यारी सुभावियां हैं, और यहाँ पर आ जाएं और सामने आकर भक्ति करें तो और आनंद आएगा। और सभी जरा मीठी तालियों के साथ क्या कहेंगे, जय हो। क्या बात है, सिद्धार्थ के
तारे त्रिशलावा के आंख के तारे जन्मियो जहां कुंदनपुर के लाए हो जन्मलियो जहां जन्मलियो जहां कुंदनपुर के लाए यकना मिली लाज मिली मेरी ये विनती सुन क्या विनती है दरस दो आज मुंह में जिनवर जिनवर दरस दो नाक के पाकर हो जब मुंह में जिनवर जिनवर दरस दो नाक के पाकर हो वीर मेरे सबकी आवाज आनी चाहिए ना दरस दो नाथ कृपा कर जपू में जपू में जपू में बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। और आइए अब उस आवाज को आवाज देते हैं जिस आवाज ने बहुत कम उम्र में अपनी गायकी का अपनी लेखनी का हुनर बहुत सारे भजनों के माध्यम से दिखाया। लेकिन वो बात उन दिनों की है जब उनकी लेखनी हम साधारण सहज शब्दों में समझ जाया करते थे। लेकिन आज आपका स्नेह आपका प्यार आपका दुलार और गुरुओं का आशीर्वाद गुरुओं की सन्निधि गुरुओं की दृष्टि उस गीतकार उस गायककार उस कलाकार उस गुणकार पर ऐसी पड़ी कि अब शब्दों की जब यात्रा प्रारंभ होती है तो निश्चित तौर पर आगम के अनुरूप भजन यात्रा प्रारंभ हो जाती है। आज के दौर में एक विसंगति भी होती है
कि न जाने कैसी कैसी धुनों पर कैसी कैसी रचनाएं हमारे समक्ष आती हैं, लेकिन जब नाम रूपेश जैन का आता है तो वो तमाम सारी बातें बोनी हो जाती हैं। आइए उस कलाकार को अब इस मंच पर आपकी जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करने जा रहे हैं, जिनकी लेखनी जिनके गायन में साक्षात माँ जिनवाणी माँ सरस्वती के दर्शन हुआ करते हैं। आए सिर्फ इन शब्दों के ताने बाने के साथ, जिन शब्दों को मैंने एक मंचों से कहता हूं, लेकिन आज इस शाश्वत भूमि को नमन करते हुए पुनः अपनी बात को दोहराते हुए आमंत्रण दे रहा हूं भजन सम्राट को, ये कहते हुए कि प्रभु किसी को सोज देते हैं और किसी को सास देते हैं, प्रभु किसी को सोज देते हैं और किसी को सास देते हैं, किसी को तख्त देते हैं तो किसी को ताज देते हैं, लेकिन जिसे चाहते हैं और जिसे नवाजते हैं उसे भजन सम्राट रूपेश जैन जैसी आवाज देते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच आपके अपने रूपेश जैन। आपकी जोरदार तालियां कही मैंने साहब, जोरदार तालियां। चूंकि आपका प्यार, आपका सत्कार, आपका दुलार, या फिर यूं कह लो कि आपका स्वागत यदि तालियों से हो जाए तो वो बात सबसे बड़ी होती है, लेकिन अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन निश्चित तौर पर अहिंसा परमो धर्म युवा संघ करना बहुत चाहता है, और इस बात को जानता भी है कि रूपेश जी किसी कलाकार की हैसियत से आज इस मंच पर नहीं है, हम सभी एक भक्त की हैसियत से, एक सच्चे गायक या सच्चे शब्दकार के हैसियत से प्रभु के चरणों में आए हैं कि हम भी इस बात के बड़भागी, हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि यूं तो भारतवर्ष के अनेक नगरों, प्रांतों और शहरों से बहुत कॉल्स आए कि 31 यानी कि 31 दिसंबर हमारे यहाँ हो, लेकिन अहिंसा परमो धर्म ने अपने प्रेम और स्नेह की डोर से इसे कायम रखा और हमारे भाग्य को फिर सराहा कि हम पुनः प्रभु की धरती पर प्रभु के गुणगान के लिए आए। आइए मैं आदरणीय से आग्रह कर रहा हूं श्री सुरेंद्र जी, रविंद्र जी, आप उस ललाट पर तिलक वंदन करें जो ललाट सदैव प्रभु के चरणों में नतमस्तक होता है और प्रभु के चरणों की रज उस मस्तक पर लगकर चंदन बन जाया करती है। उस कंठ का स्वागत माल्यार्पण के माध्यम से करें जिस कंठ से साक्षात माँ जिनवाणी के शब्दों की यात्रा प्रारंभ होती है और वो शब्द भजनों में तब्दील होकर जनमानस के दिलों में राज किया करते हैं। स्वागत करें साफे से उस मस्तक का जिस मस्तक में सदैव प्रभु के प्रति अच्छी लेखनी के सद्विचार आते रहें। आए आपकी जोरदार तालियों के बीच अब आपके हवाले आपके अपने रूपेश जैन। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए चांदनपुर वाले टीले वाले महावीर स्वामी भगवान की, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य मुनिराज विद्या सागर जी महाराज की। चलिए सौभाग्य जब आपको आवाज दे तो समझिए कि आपके पूर्व जन्मों के बहुत सारे संचित पुण्य हैं जो इस जन्म में आपको सामने आ रहे हैं और फल देते जा रहे हैं, ऐसा ही पुण्य है। खुद मेरे परिवार में भी ऐसे लोग हैं जो कई कई वर्षों से सोचते हुए बाबा के दरबार में नहीं आ पा रहे हैं किसी ना किसी कारण से, और मेरा सौभाग्य देखिए कि मुझे पिछला वर्ष भी बाबा के चरणों में समर्पित करने के लिए और अगले वर्ष के लिए ऊर्जा लेने का अवसर मिला, और मैं आभार कितना भी व्यक्त करूं ये जो भार है कम नहीं होगा, फिर भी मैं कहता हूं अपने शब्दों में कि अहिंसा परमो धर्म युवा संघ के सभी मेरे सदस्य भाइयों ने मुझे पुनः यहाँ आने का फिर मौका दिया है, मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसे दरबार में आना और ऐसे श्रोताओं के बीच में मंच दिया जाना बहुत बड़ा गौरव है, बहुत बड़ा सौभाग्य है, और इस सौभाग्य को मणिकांचन बना दिया है आज पारस चैनल से ये पूरा आयोजन, पूरा भारत देख रहा होगा, तो जो यहाँ है वो भी और जो दूर अंचलों में देशों में अपने अपने घरों में बैठे हैं वो भी इस आयोजन का आनंद उठा रहे होंगे। तो पुनः पुनः
बहुत बहुत मैं साधुवाद और बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं अतिशय क्षेत्र महावीर जी की संपूर्ण प्रबंधकारिणी और मैनेजिंग कमेटी के लिए जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्थाएं इन्हें सौंपी हैं ताकि ये सारी व्यवस्थाएं आपको दे सकें और आप इस तरीके से अपना नया साल टीले वाले बाबा के श्री चरणों में मना सकें। चलिए शुरुआत करेंगे भव्य भजन संध्या की और इंतजार करेंगे पूरे एक वर्ष तक कि नया वर्ष आए और हम उसका स्वागत वंदन करें। अभी हमारे पास बहुत समय है और बाबा के दर्शन भी हमें आज नए वर्ष पर यहाँ जरूर होंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा है कि रूपेश भैया आपको कुछ नई रचनाएं भी सुनानी है, कुछ पुरानी भी सुनानी है। मैं तो ये कहने आया हूँ कि पिछले वर्ष में जो कुछ भी लिखा है और जो कुछ भी आप सबने सराहा है वो सब मैं आज बाबा के श्री चरणों में समर्पित करके जाऊंगा। कुछ पंक्तियां आपको नवी भी सुनाऊंगा और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग दोबारा इस दरबार में बैठे हैं क्योंकि हमारे आयोजक मंडल ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है आने का। फिर भी केवल राजधानी से नहीं, मुझे लगता है देश के हर प्रांत से, हर कोने से महावीर जी में लोग अपना नया साल प्रारंभ करने के लिए आते हैं। तो सब लोगों ने जो रचनाएं नहीं सुनी है आज सारी वो रचनाएं हम यहाँ से गाएंगे। शर्त केवल एक ही है कि जब भी हम नए वर्ष का शुभागमन करने के लिए तैयार होते हैं, कोई भी आयोजन करते हैं, तो उत्साह, उमंग, नृत्य, भक्ति किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। पिछला वर्ष ऐतिहासिक था और मुझे लगता है आज की सुंदरता उससे भी कई गुना अधिक है। आज आपकी ये जो संख्या है वो भी, हमारे आयोजक मंडल की जो व्यवस्था है वो भी, सब सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आप एक एक क्षण का उपयोग करेंगे मेरे साथ भक्ति में, नाचते हुए, गाते हुए, तालियों के साथ, मुझे कहना ना पड़े। केवल इसलिए नहीं कि मेरा भजन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, केवल इसलिए क्योंकि आपकी भक्ति में आपका शत प्रतिशत रहे ताकि नए वर्ष में उतना ही आशीर्वाद बाबा से आपको मिले। चलिए बातें बहुत हुई, शुरुआत करते हैं महामंत्र नवकार से, उसके बाद हम भजन का क्रम आगे बढ़ाएंगे। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। संगीतारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतो मे। सदा नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं,
रमो लोए सब सहुड़ो नवग्रह उनके रहे पक्ष में हो नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले नौ बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार ओ नवग्रह उनके रहे पक्ष में नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले नौ बार नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार 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 श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए श्रावक इसको जप के मुनि संत हो गए संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए संतों ने जपा तो अरिहंत हो गए अरिहंतों के लिए खुल गए हो अरिहंतों के लिए खुल गए मोक्ष महल के द्वार नमोकार नमोकार आचार्यों के आचारों पर आचरण करें आचार्यों के आचारों पर आचरण करें उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें उपाध्याय से आगम शिक्षा ग्रहण करें नमन जगत के सर्व साधुओं को नमन जगत के सर्व साधुओं को हो बारंबार नमोकार नमोकार के स्वामी की काया हुई कंचन मैना सुंदरी के स्वामी की काया हुई कंचन सेठ सुदर्शन कोशुली से प्राप्त हुआ सिंहासन सेठ सुदर्शन कोशुली से प्राप्त हुआ सिंहासन सोमाने की अजाप तो सोमाने की अजाप तो विषधर नाग बना मणिकार नमोकार नागर नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया नागर नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया नमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया नमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया नागर नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया नागर नागिन को पारस ने अग्नि से बचाया नमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया नमोकार उनको अपनी ही बोली में सुनाया पद्मावती धरणे ध्रुवे वे हो पद्मावती धरणे ध्रुवे वे कर त्रियंश गति पार नमोकार नमोकार आप देखें एक बार महामंत्र नमकार का जाप हो जाए पूरा भारत देख रहा है हमें कि हम कैसे भक्ति करते हैं और जब हम ऐसे अतिशयकारी महान अतिशयकारी तीर्थ पर हैं तो हमारी भक्ति में कितना उबाल है कितना उत्साह है कितनी ऊर्जा है आप दिखाइए जरा
रमो हरिहंताड़म। जितने लोगों ने बिना कहे आगे हाथ ऊपर उठा दिए, मैं मानता हूं जीवन में वो बहुत ऊपर उठेंगे, और जितने नहीं उठाए वो बहुत जल्दी ऊपर उठेंगे। तरक्की में घबराऊं भगवान के दरबार में किसी का बुरा नहीं हो सकता भाई, तरक्की में उठोगे आप भी उठोगे। ओ नमो हरि हंताड़म, नमो से थाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्जायाड़म, नमो लोए सब साहुड़म। ओ नमो कार नमो कार सुनिए क्या कहना है। के जैन के घर में जन्मा वैसे जैन कहता है, जैन के घर में जन्मा वैसे जैन कहता है, लेकिन जब तक नमोकार ना कान में जाता है, लेकिन जब तक नमोकार ना कान में जाता है, तब तक उसको जैन धर्म के हो, जब तक उसको जैन धर्म के मिलते नहीं संस्कार। नमोकार नमोकार अंजन चोरन मंत्र जाप किया था अधूरा, अंजन चोरन मंत्र जाप किया था अधूरा, आड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा, आड़म ताड़म कहने पर भी फल मिला पूरा। सती द्रौपदी और सीता को, सती द्रौपदी और सीता को किन्हा भव से पार। नमोकार इसीलिए कहना है क्या, सोते उठते चलते फिरते हो इस महामंत्र का जाप करो, इस महामंत्र का जाप करो, आप कमाएं जो पाप तो उनका हो क्षय भी अपने आप करो, क्षय भी अपने आप करो, इस महामंत्र का, इस महामंत्र का ले लो सहारा। मंत्र नमोकार हमें कानों से प्यारा, मंत्र नमोकार हमें कानों से प्यारा। ये है वो जहाज, ओ ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमोकार हमें कानों से प्यारा, नमोकार हमें प्राणों से प्यार। नमोकार नमोकार महामंत्र, नमोकार 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 महामंत्र, नमोकार नमोकार महामंत्र, नमोकार नमोकार महामंत्र, नमोकार नमोकार महामंत्र, ऐसा मैं नमो यारो सब ग्रह उनके ही रहे पक्ष में, अज जो जप ले नौ बार नमो। अब मुझे बिल्कुल लग गया कि आगे वाले इसलिए आगे हैं, जीवन में भी आगे रहेंगे क्योंकि भक्ति करने में भी आगे हैं, और पीछे वाले इसलिए थोड़े पीछे रह जाएंगे क्योंकि आज आए भी थोड़ा पीछे हैं, खड़े भी थोड़ा पीछे हैं, और भक्ति में भी पीछे। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई भी ऐसा गीत रह जाए जिसमें आपकी हाजिरी ना लग पाए भैया, इसलिए बोलना है। नवग्रह उनके रहे पक्ष में जो जप ले नौ बार नमो। अब लगा है कि आप महावीर के बच्चे हैं, बोलिए महामंत्र नवकार की, बोल टीले वाले बाबा की। चलिए मैं ये गीत, अक्सर आजकल ऐसे होता है कि कम आयोजनों में गाने का अवसर मिलता है,
क्योंकि लोग कहते हैं रूपेश भैया आपके मुंह से हमने ये गीत बहुत बार सुना, लेकिन विश्वास मानिए कि आज इस धरती पर अगर इस गीत से शुरुआत नहीं करेंगे तो 440 वोल्ट का जो करंट आपके अंदर दौड़ना अभी बाकी रह गया, जो दौड़ा नहीं है वो तब तक दौड़ेगा ही नहीं। इस गीत के साथ दौड़ाते हैं, फिर हम नई रचनाओं के साथ शुरू करेंगे। पहली हाजिरी, हमारी पहली वंदना, हमारी पहली भक्ति हमारे टीले वाले बाबा के श्री चरणों में। जी शाह दे देंगे भाई मेजर। जमाने में कहां टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। मूर्ति तेरी दिल को लुभाए, मूर्ति तेरी दिल को लुभाए, करते हैं गुणगान नर नारी सारे, चांदनपुर वाले महावीर स्वामी आए हैं दर पे भक्त तुम्हारे, चांदनपुर वाले महावीर स्वामी आए हैं दर पे भक्त तुम्हारे। ओ जीवन है नैया तू है खिवैया, जीवन है नैया तू है खिवैया, जीवन की नैया बाबा तेरे हवाले, चांदनपुर वाले स्वामी आए हैं दर पे भक्त तुम्हारे। और दिल में बसी है मूरत तुम्हारी, दिल में बसी है मूरत तुम्हारी, होठों पे हर पल तेरे जयकारे, चांदनपुर वाले महावीर स्वामी आए हैं दर पे भक्त तुम्हारे। ओ, 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 थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, एकदम कम है, नाचने में दिक्कत होगी लोग। जय हो। ओ टीले वाले देवा, ऐसे जितने टीले बाबा के दर्शन, टीले वाले बाबा के दर्शन करने कौन कौन आए यहाँ, आए हाय जय हो जय हो, धन्यवाद अतुल भैया थैंक यू। जितने लोग आए जरा दोनों हाथ, दोनों हाथ, और आज सरेंडर वाली मुद्रा में कि बाबा पूरा साल आपके चरणों में समर्पित। अब जय हो कहना है आपको। पटीले वाले देवा, देखो कहते हैं कि मंदिर इस समय बंद होने वाला होगा, हो गया होगा, अब ये विश्राम का समय है देवों का भी, लेकिन आज भक्ति ऐसी हो कि नए साल के आगमन तक देख भी वहां जाकर नाचने लगे इस प्रांगण में मंदिर में आगे, तो आपकी भक्ति में बात आएगी। वन टू थ्री। पटीले वाले देवा तेरे सब नाम लेवा, पटीले वाले देवा तेरे सब नाम लेवा, झुकाए भक्त सारे सभी तुझको हैं प्यारे, सुने फरियाद सबकी तुझे है याद सबकी, बड़ाया कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, अमीरों का सहारा गरीबों का गुजारा, तेरी दया का किस्सा बया फिर रूपेश करेगा, तो दिन की दुनिया दुनिया है गुलशन, सब फूल काटे तेरे सहारे, चांदनपुर वाले बाबा ने डाले आए डर से भक्त तुम्हारे। दिल में बसी है मूरत तुम्हारी, दिल में बसी है मूरत तुम्हारी, होठों पे हर पल तेरे जयकारे, चांदनपुर वाले बाबा स्वामी आए हैं दर पे भक्त तुम्हारे। आगे
भक्ति भक्ति जवान है। बोलेंगे सब बड़ा तू अतिशयकारी। अब जितने लोगों को लगता है कि है हमारा बाबा अतिशयकारी, तो अतिशयकारी होने की अनुमोदना आपको जय हो करके देनी होगी। पता तो लगे बाबा के कितने भक्त हैं। बोलो बड़ा तू अतिशयकारी और जोरदार, तेरी महिमा है न्यारी और जोरदार। बड़ा तू अतिशयकारी, तेरी लीला है न्यारी। बड़ा तू अतिशयकारी, तेरी लीला है न्यारी। आप लोग साइलेंट मोड पे हो क्या कि वाइब्रेशन पे हो? क्या बात है। अगर आज यहाँ इस दरबार में आके जो चुप बैठा रह गया, जिसके मुंह से जयकारे नहीं निकले, जिसके कमर से नृत्य नहीं निकला भक्ति का, उसके घुटने में इतना दर्द रहेगा कि दो कदम नहीं चल पाएगा। सच बता रहा हूँ, ये अतिशय क्षेत्र है भक्ति में। चोरी करने वालों पर जरूर, भक्ति में क्या चोरी करना यार। 1 2 1 2 बड़ा तू अतिशयकारी, तेरी लीला है न्यारी। बड़ा तू अतिशयकारी, तेरी लीला है न्यारी। विराजा चांदनपुर में दिखे हर एक घर में, चले आते हैं थोड़े जो खुशकिस्मत है थोड़े हो। ये हर राही की मंजिल, ये हर कश्ती का साहिल, जिसे सबने निकाला उसे तूने संभाला, जिसे सबने निकाला। सुख के ये दिन चरणों में तेरे, सुख दुख के ये दिन चरणों में तेरे। हमको तो लगते हैं त्योहार सारे चांदन गुरवाए, बाबा ने डाले आए हैं दर पे भक्त तुम्हारे। दिल में बसी है मूरत तुम्हारी, दिल में बसी है मूरत तुम्हारी। होठों पे हर पल तेरे जयकारे, चांदन पुर वाले मेरे बाबा आए हैं दर पे भक्त तुम्हारे। ओटीले वाले महावीर स्वामी आए हैं दर पे भक्त तुम्हारे। मन में बसी है मूरत तुम्हारी, मन में बसी है मूरत तुम्हारी। होठों पे हर पल तेरे जयकारे, चांदन पुर वाले बाबा ने डाले आए हैं दर पे भक्त तुम्हारे। चांदन पुर वाले बाबा ने डाले। जितने ईमानदार भक्त हैं ना, एक बार दोनों हाथ सुने। जिसने चोरी करी उस पे कृपा उसी के परसेंटेज से होगी। देखिए एक बात भाई लोगों, एक बात मैं कहता हूं, अगर मैं अभी कहूं कि जितने लोग सीधे हाथ उठाएंगे कल तक कुबेर का खजाना उनका भर जाएगा, देखो सब कैसे उठा लेंगे। हम भगवान से प्यार नहीं करते, हम लालची लोग हैं। अगर प्यार करते हो तो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी चाहत के, केवल भक्ति में दोनों हाथ ऊपर उठा दीजिए। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। यस, ये बात है। 1 2 3 4 चांदन पुर वाले तुम्हारे बाबा आए हैं दर पे भक्त तुम्हारे। चांदन पुर वाले महावीर स्वामी आए हैं दर पे भक्त तुम्हारे। चांदन पुर वाले का भक्त आए। यदि भक्त आए तो तालियां बजाइए ना, क्योंकि आप उस महावीर स्वामी के दरबार में बैठे हैं।
जो टीले में विराजा करते थे, नित गैया का दूध वहां झरता था, शंका का समाधान हुआ और वहां से वीर प्रभु निकले और वहां से प्रकट होने के पश्चात हमारे दुखों को, हमारे संताप को उन्होंने विराम दिया। जिनके वर्तमान शासन में हम सभी जीवित हैं और फल फूल रहे हैं और ऐसा हिंसा परमो धर्म युवा संघ इतने अच्छे आयोजन को जिन्होंने रचाया है वाकई में काबिले तारीफ है। एक बार जोरदार तालियां और एक बार तालियां अपने लिए कि आप इतनी शानदार भक्ति कर रहे हैं। रूपेश भाई कह रहे थे 440 वोल्ट। रूपेश भैया मुझे तो लगता है कि 880 या 1000 वोल्ट भी कम पड़ेगा। अब जरा 2000 पावर वाली तालियां बजाइए क्योंकि अब जो रचनाएं आपके बीच में आएंगी वो बिल्कुल अद्भुत और निराली रचनाएं हैं। चलिए शुरुआत एक नए गीत से करते हैं जो आज मैंने अभी 10 मिनट पहले यहाँ कुछ टूटी फूटी सी लाइनें लिखी हैं। उम्मीद करता हूँ हर जितने भी भक्त यहाँ बैठे हैं सबके दिल में कहीं ना कहीं ये बात छिपी होगी। ये बात इस शब्द में, इस गीत में मैंने ढाली है। उसके बाद जो बहुत सारी फरमाइशें हैं वो तो मुझे सारी सुनानी है। गीत हम कोशिश करेंगे कि पूरी रात आज बाबा के दरबार में बैठ के जो जो मांगना है मांग कर जाएंगे और अपनी सारी मांगे मनवा कर भी जाएंगे बाबा के श्री चरणों में। अभी के लिए सीधे दी भाई देखिए कहते हैं परम अतिशयकारी तीर्थ है श्री महावीर जी चांदनपुर, सब मानते होंगे और यहाँ पर आकर बहुत लोगों के भाग्य बदल जाते हैं ऐसा भी मानते होंगे। अब जितने लोग इस भावना को लेकर आए हैं कि हमारा भी भाग्य बदले उनको दोनों हाथ अपने आकाश की ओर उठाने हैं। आज बहुत मेहनत करनी है आपको और आज कोई बहाना नहीं करेगा कि ठंड लग रही क्योंकि ठंड आज है ही नहीं। ठीक है दोनों हाथ सीधे बिल्कुल सीधे और बोलना है चांदनपुर के टीले वाले बाबा की। अब देखिए आप सबके मन की भावना क्या है सुनिए इन शब्दों में। हाँ, कि सारे जग में करे उजाला ये चांद चांदनपुर वाला, कि सारे जग में करे उजाला ये चांद चांदनपुर वाला, कि धरती में छुपा बैठा था, धरती में छुपा बैठा था, ग्वाले ने ढूंढ निकाला। हमें तो टीले वाली छतरी पे दूध चढ़ाने आया हूं। बाकी लोग नहीं जाने वाले क्या छतरी पे? कंजूसों आज इतने हाथ उठाने पड़ेंगे कि कल चाहे बाम लगा लेना थोड़ी सी। हमें तो टीले वाली छतरी पे दूध चढ़ाने आया हो, चांदनपुर अपना भाग्य जगाने। जितने लोग आए हैं उन्हें गाना पड़ेगा कि सारे जग में करे उजाला। सारे जग में करे उजाला ये चांद चांदनपुर वाला, सारे जग में करे उजाला धरती में छुपा बैठा था ग्वाले ने ढूंढ निकाला। धरती में छुपा बैठा था ग्वाले ने ढूंढ निकाला। हम तो टीले वाली छतरी पे दूध चढ़ाने आया हूँ। अपना भाग्य जगाने आया, चांदनपुर अपना भाग्य जगाने आया हूँ। सारे जग में करे उजाला ये चांद चांदनपुर वाला, सारे जग में करे उजाला थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा भैया थोड़ा सा, चांदनपुर वाला हर जग में करे उजाला ये चांद चांदनपुर वाला, सारे जग में करे उजाला आइए चांद
गुरमाला। कटीले में छुपा बैठा था, ग्वाले ने ढूंढ निकाला। टीले में छुपा बैठा था, ग्वाले ने ढूंढ निकाला। हम तो टीले वाली छतरी पे ढूंढ चराने आया हूँ। हम तो टीले वाली छतरी पे ढूंढ चराने आया हूँ। चांदनपुर अपना भाग्य जगाने खाएगा। अच्छा बच्चे सो रहे हैं, जिनके बच्चे सो रहे हैं उनको मैं कोई व्यवधान नहीं देना चाहता। बाकी लोग आ जाओ मेरे साथ। 1 2 3 4 अब सुनिए कहानी, सुनिए आगे की। मैंने सुना है अतिशयकारी ये टीले वाले प्रभु रे, मैंने सुना है अतिशयकारी ये टीले वाले प्रभु रे। आएंगे आएंगे बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ जाएं या मैं वहां जाऊं, गाना पड़ेगा सबको। लेकिन मैंने सुना है अतिशयकारी ये टीले वाले प्रभु रे, मैंने सुना है अतिशयकारी ये टीले वाले प्रभु रे। पद्मासन में बैठे ये बाबा भूरे भूरे, पद्मासन में बैठे हैं ये बाबा भूरे भूरे। मैंने सुना है अतिशयकारी ये टीले वाले प्रभु रे, पद्मासन में बैठे हैं ये बाबा भूरे भूरे। मैंने सुना है अतिशयकारी ये टीले वाले प्रभु रे, पद्मासन में बैठे हैं ये बाबा भूरे भूरे। इनकी देहरी पे दीप जलाने आया हूँ। जितने लोग आज दीप जलाएंगे आज या कल नव प्रभात की नई वेला में, उनको उठा के कहना पड़ेगा मेरे साथ, ये छोड़िए जरा। हाँ मैं तो इनकी, हम तो इनकी देहरी दीप जलाने आया हूँ। चांदनपुर अपना भाग्य जगाने आया हूँ। चांदनपुर अपना भाग्य जगाने आया हूँ। इतने सुंदर भक्ति आप कर रहे हैं, गले की चिंता मुझे करनी चाहिए। मैं पिछले एक महीने से रोज गा रहा हूँ प्रोग्राम, आपको क्या चिंता है, आप गाओ मेरे साथ। चांदनपुर अपना भाग्य जग, ये बात है। 1 2 3 4 बाबा कैसा है हमारा, टीले वाले बाबा हमारा कैसा है। हाँ वो छप्पर फाड़ के देता कोई मांगे चाहे थोड़ा, वो छप्पर फाड़ के देता कोई मांगे चाहे थोड़ा। कौन कौन मांगता है मेरी बात, आप इतना सा मांगने जाओ बाबा इतना देगा आपको, दिल सच्चा होना चाहिए है।
बात सही है कि नहीं? हाँ बोलते जाओ ना। हाँ वो छप्पर फाड़ के देता कोई मांगे चाहे थोड़ा, कोई छप्पर फाड़ के देता कोई मांगे चाहे थोड़ा, जिसका भी हाथ है पकड़ा जीवन भर कभी ना छोड़ा, जिसका भी हाथ है पकड़ा जीवन भर कभी न छोड़ा, वो छप्पर फाड़ के देता कोई मांगे चाहे थोड़ा, जिसका भी हाथ है पकड़ा जीवन भर कभी न छोड़ा। तो मैं भी अपना हाथ प्रभु को थमाने आया हूं। अरे हाथ उठा के बता दो प्रभु को, कौन कौन चाहता है कि प्रभु हाथ पकड़ ले उसका? करो। मैं भी अपना हाथ प्रभु को थमाने आया हूँ, मैं भी अपना हाथ प्रभु को थमाने आया हूँ, चांदनपुर अपना भाग जगाने आया हूँ, चांदनपुर अपना भाग जगाने चांदनपुर वाला, सारे जग में करे उजाला ये चांद चांदनपुर वाला। अब किटीले में जाके छुपा था ग्वाले ने ढूंढ निकाला, टीले में जाके छुपा था ग्वाले ने ढूंढ निकाला, हमें तो टीले वाली छतरी पे दूध चढ़ाने आया हूँ, अपना भाग जगाने आया हूँ। सुनिए जरा, एक बरस में एक बार बरस में जाए जल प्रभु के शीश उढ़ेला, एक बार बरस में जाए जल प्रभु के शीश उढ़ेला। देखिए एक बार ऐसा मौका मिलता है जब बाबा का अभिषेक हम कर पाते पूरे वर्ष में, है ना? तो कहना है एक बार बरस में जाए जल प्रभु के शीश उढ़ेला, एक बार बरस में जाए जल प्रभु के शीश उढ़ेला, दुनिया में जाना जाए चांदनपुर लक्ष्मी मेला, दुनिया में जाना जाए चांदनपुर लक्ष्मी मेला, एक बार बरस में जाए जल प्रभु के शीश उढ़ेला, दुनिया में जाना जाए चांदनपुर लक्ष्मी मेला। मीणा गुजर संग, मीणा गुजर संग नृत्य रचाने आया हो, मीणा गुजर संग नृत्य रचाने आया हो, चांदनपुर अपना भाग जगाने, चांदनपुर अपना जग में करे उजाला ये चांद चांदनपुर वाला, सारे जग में करे उजाला ये चांद चांदनपुर वाला, धरती में छुपा बैठा था पीले में छुपा बैठा था ग्वाले ने ढूंढ निकाला, मैं तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये उत्साह है, उत्साह के चरम में ऐसा भी हो जाता है, कोई बात नहीं। के मैं तो टीले वाली छतरी पे दूध चढ़ाने आया हूँ, मैं तो टीले वाली छतरी पे दूध चढ़ाने आया हूँ, चांदनपुर अब
ये पीछे वालों को लाइन याद नहीं हुई, अच्छी नहीं लग रही। अच्छी लग रही है, गाइए ना एक लाइन। चांदनपुर अपना, मुझे आवाज पीछे वाली चाहिए कि चांदनपुर अपना। अब भैया कह रहे पीछे आओ तो पीछे वालों की आवाज मिलेगी। ये कॉर्डलेस नहीं है ना, मैं कॉर्डलेस लेके आता हूं अगले भजन में आपके पास, ठीक है। प्रवीण जी भाई साहब,